आज मैं रमजान डाइट के बारे में बात कर रही हूँ। रमजान में किस तरीके से आपको खाना चाहिए सो दैट कि आप अपने फास्ट को इजिली मेंटेन कर पाए, एंड दोज हु आर लुकिंग फॉर वेट लॉस उनके लिए ये गोल्डन टाइम है। इसका ट्रेडिशन हर धर्म में है। फास्ट बहुत ही पावरफुल टूल है हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का एंड हमारे ऑर्गन्स को रीजनरेट करने का, बट ओनली वेन जब आप इसको सही तरीके से करते हैं। जब भी खाना खाते हैं हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन, स्टमक, इंटेस्टाइन, हर्ट, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, सबको अपना काम करना पड़ता है। एंड जब हम फास्ट करते हैं तो इन सभी ऑर्गन को रेस्ट मिलती है। इस टाइम में बॉडी की इंटरनल प्रोसेस एक्टिवेट होती है जिसको साइंटिफिक टर्म में ऑटोफेजी कहा जाता है। फास्टिंग के ड्यूरेशन में मेजर प्रॉब्लम जो मोस्टली लोग फेस करते हैं वो है डिहाइड्रेशन होना, डिजीनेस, हेडेक होना, बीपी का फॉल करना एंड कॉन्स्टिपेशन होना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइट टिप फॉर रमजान फास्ट इज डू फास्ट बट डोंट डू फीस्टिंग। ऐसी कोई भी चीज मत खाइए जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्ड टू डाइजेस्ट है। सेकंड टिप, रमजान फास्ट स्टार्ट करने के पहले एंड एंड करने के बाद सबसे पहली चीज जो आपने लेनी है वो है एक ग्लास पानी में नींबू, काला नमक या हिमालयन पिंक सॉल्ट डालकर के पीना है। इससे आपके बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा, डिजीनेस, हेडेक या बीपी फॉल होने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने डाइट में उस फूड ग्रुप्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कीजिए जो नेचुरली वाटर को होल्ड करते हैं, लाइक क्यूकम्बर, कैप्सिकम, कैबेज, बेल पेपर्स, ब्रोकली, सो दैट कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी रमजान।